धार्मिक बेअदबी के नाम पर लखबीर नामक एक शख्स के साथ बर्बरता की सभी हदें पार करने वाले निहंगों की आज पूरी पोल खुल गई है। किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, शायद इसीलिए धर्म की राजनीति भी बंद हो गई है। गौरतलब है कि एक बेकसूर शख्स लखबीर को पहले कई लोगों द्वारा पीटा गया था, उसका हाथ काट दिया गया था, उसके घुटने तोड़ दिए गए थे, उसे लटका दिया गया था जब तक उसका दम नहीं निकल गया था, और ये कहा गया था कि इसने बेअदबी की है। कल यानी कि 10 दिसंबर 2021 को बीजेपी के लीडर मजेंद्र सिंह सिरसा की अगुवाई में अफगानिस्तान से 100 से ज्यादा सिखों और गुरु ग्रंथ साहब स्वरूप को लाया गया। वीडियो सामने आई जिसमें देखा जा सकता है कि सिखों का आखिरी जत्था वापिस आ रहा है भारत। गौरतलब है कि अफगानिस्तान से बचे हुए अंतिम सिखों का जत्था भारत आ गया। काश ये अफगानी सिख यहाँ के सिखों को बता पाएं कि वो किससे बचकर आए हैं और इनका असली दुश्मन कौन है। इसकी वजह से इन्हें अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी, अपनी गाड़ियां छोड़नी पड़ी, अपने गुरुद्वारों को छोड़ना पड़ा, अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़नी पड़ी और सिर्फ पहने हुए कपड़े पहनकर इन्हें वापस लौटना पड़ा। वहीं बेअदबी की दुहाई देने वाले निहंग सिखों ने एक बार भी बीजेपी या सरदार मजेंद्र सिंह सिरसा या भारत सरकार का शुक्रिया अदा नहीं किया। इस पूरे वाक्य के बाद यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि इन्हें बेअदबी से कोई सरोकार नहीं है। अगर इन्हें बेअदबी से कोई लेना देना होता तो ये अफगानिस्तान से जाते हुए वहाँ अपने गुरुद्वारों की रक्षा करते, उनकी सुरक्षा के लिए भारत से वीजा लगवा के अफगानिस्तान जाते, तालिबानियों से भिड़ते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तो और जिस सरकार ने इन 100 लोगों को ना सिर्फ सुरक्षित निकाला बल्कि अपने देश में भारत में पनाह दी, उनके लिए भी इनके पास एक शब्द नहीं है। सरदार मजेंद्र सिंह सिरसा पहले ही कह चुके हैं कि लखबीर के साथ जो बर्बरता हुई है उसे सही नहीं कहा जा सकता। आज अफगानिस्तान से सिखों का आखिरी जत्था भी वापस लौट आया है। सवाल ये है कि आखिर अब कहाँ हैं बेअदबी के नाम पर मासूम लखबीर के साथ बर्बरता करने वाले निहंग? क्यों नहीं जाते अफगानिस्तान? जो निहंग सिंगू बॉर्डर पर कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते, वो तालिबानियों के आगे घुटने क्यों टेक देते हैं? ये बड़ा प्रश्न है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।